मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में। लूट लिया ओए तुम चंबल की डाकू सैतन दिन दौड़े, मैं लूट लिया लूट लिया लूट लिया। अदा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आपके साथ आज हम स्टार लेकर आए हूँ एक नया टहलका मचाने वाला व्लॉग वीडियोस। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? नहीं बड़ा हरामी हो बेटा। रुको जरा, सबर करो। तो गाइस 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 सुनो, मैं आपको आज लेकर जाने वाला हूँ एक ऐसी कॉलेज के अंदर जो कि बेतिया का टॉप 10 कॉलेज में से एक है, जिसका नाम है RLSY कॉलेज, नाम लखन सिंह यादव कॉलेज। बन रही है मेरे वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं हम इडवे, तब तक लिया टट्टा। जब देखा पहली बार तेरे थी प्यार तेरे ते हो गया रे, यो टूट ना जावे सपना सा या सोच फेर ते सो गया रे, मैं खुद सपने मैं खो गया रे, मन बेरा ना के हो गया रे, लोकेशन तेरी बर्दी ओए तेरे प्यार का रूट लिया, ओए लूट लिया रे लूट लिया, ओए दिन दौड़े तन लूट लिया, ओए तुम चंबल की डाकू सैतन दिन दौड़े, मैं लूट लिया लूट लिया लूट लिया। तो गाइस यही है RLSY का मुख्य द्वार, फर्स्ट गेट एंड ये अंदर भी एक और गेट है, दो साइड से गेट है, एक ये था और एक वो सामने वाला है, और ये अंदर एक ये सामने जो है वो रेड कलर का वो एक मंदिर है, और ये सब क्लासेस है, देख सकते हैं आप कैसा है, बहुत ही अच्छा है। ये RLSY कॉलेज है, अभी भीड़ चल रही है क्योंकि फिलहाल अभी यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म वगैरह हो रहा है। तो चलिए कुछ भाइयों से हम मिलते हैं, बात करते हैं और देखते हैं यहाँ का कैसा है। हेलो भाई, कुछ बता सकते हैं RLSY कॉलेज के बारे में? जी कॉलेज के बारे में, ये के बारे में क्या बता, कुछ थोड़ा जो भी जानते हो। खाली फॉर्म भरने के दिन आ रहा है। ओनली फॉर्म, कॉलेज क्लास ना कराता है? क्लास नहीं होता है, ना क्लास होता है, सिर्फ ओनली फॉर्म होता है। अच्छा, ये कॉलेज में क्लास नहीं होती है, सिर्फ फॉर्म भराता है, और स्टूडेंट आते हैं सिर्फ घूमने फिरने, सिर्फ ओनली बाइक से आते हैं, देख सकते हैं सिर्फ बाइक लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ का पढ़ाई लिखाई कुछ सही नहीं है? पढ़ाई है ही नहीं यहाँ पे, पढ़ाई है ही नहीं है, तो खाली देखिए एनसीसी होता है बस, उसके बाद पूरे साल ये लोग फॉर्म भरते हैं। अच्छा, एनसीसी चाव से हो रहा है पर पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, अभी ओनली फॉर्म फिलअप हो रहा है। चलिए कोई नहीं, ठीक है, पढ़ाई जो भी यहाँ पे है उसे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई यहाँ पे होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई तो कुछ है ही नहीं है। आजा भाई, आजा। क्या नाम है आपका? बता सकते हैं कुछ RLSY कॉलेज के बारे में? हाँ, RLSY कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन कर रहा हूँ। एनसीसी, और हमारा एडमिशन इसी में है। कब से पढ़ रहे हैं आप?
कब से एडमिशन? 2021 2021 आप लोग फर्स्ट ईयर चल रहा है, फर्स्ट ईयर आप लोग का? इंटर का या फिर एनसीसी का? एनसीसी का एडमिशन हुआ है, उसका फर्स्ट ईयर है जो एनसीसी हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं। एनसीसी का मतलब होता है सर नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसका एक ही मोटो होता है अनुशासन और एकता, जो अभी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं जी। और बता सकते हैं इसके बारे में आप लोगों का कोच वगैरह कौन है? जी अभी नरेश सर पहले दिग्विजय सर थे एएनओ, ठीक है, जो भी वो भी काफी रिस्पेक्टेड थे और अपने अनुशासन और एकता के प्रति काफी मतलब अपने जी जी डेडिकेशन को शो करते थे जी। चलिए बढ़िया है, लेकिन और बताइए कॉलेज में क्या अभी क्लास चलती है या नहीं चलती है? वो बच्चे इच्छुक हैं कॉलेज में, तो ऐसे आपको भी पता है सर कि क्लास नहीं चलती है, बट जो भी बच्चे इच्छुक हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे तो हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर हैं, अगर पढ़ना चाहें तो अदर उन लोगों का क्लास है वहाँ कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ एनसीसी ज्वाइन किए हैं, कुछ हम लोग का भी मोटा है डिफेंस में जाना है, जैसे एयरफोर्स नेवी आर्मी में जाना है, इसलिए कुछ इससे छूट मिलता है, ठीक है। जो भी अगर और बहुत आदमी से हम पूछे वो बता रहे हैं लोग कि यहाँ पे मतलब क्लास नहीं कराई जाती है, बच्चे नहीं आते, एक ही बात रखे उनके माइंड से जो फॉर्म भर रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लास ही नहीं होती है, हम लोग रेगुलर क्लास है हम लोग का। चलिए ठीक है बढ़िया, जो ओके बाय सर। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम आजम, आजम स्टार ब्लॉगर। चल बाजुड़ी के सकते हैं आप गाइस कि यहाँ पे पूरा एनसीसी का तैयारी चल रही है फुल, और कुछ भाई हमारे यहाँ बैठे हैं जिनसे अभी बातचीत हुई। हाय कर दीजिए एक बार, बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब कर भैया। ये साइकिल स्टैंड है यहाँ पे, और ये वहाँ लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, और वहाँ पे छात्र सामान्य कक्ष यानी गर्ल्स कॉमन रूम है ये सामने वाला, और यहाँ पे दो ये जो मूर्ति है जो ये है राम लखन सिंह का, जिनके नाम से ये कॉलेज है राम लखन सिंह यादव कॉलेज, और ये डॉक्टर ओम प्रकाश के द्वारा। आरएलएस वाई कॉलेज में एनसीसी आर्मी की तैयारी हो रही है, उधर लेके चलते हैं हम आपको। आरएलएस वाई कॉलेज में बहुत ज़्यादा एनसीसी की तैयारी हो रही है, देख सकते हैं पूरा स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट तैयारी में लगा हुआ है एनसीसी की। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब क्लास नहीं चलती है, और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं क्लास चलती है, जो भी मतलब पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली क्लास बनाया हुआ है, और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि नहीं चलती है। तो भाई क्या माजरा है यहाँ पे, ये आरएलएस वाई कॉलेज का पीछे का हिस्सा है, और यहाँ पे बहुत बड़ा फील्ड है बहुत बड़ा, और यहाँ पे एनसीसी की तैयारी कराई जाती है। अभी देख सकते हैं तैयारी हो रही है, ये पीछे का बैकग्राउंड। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे पैरों को छू के तू उसे उसके
बेटे का नाम दे। मैं वापस आऊंगा करम ने गाँव में उसी की छाँव में कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा YouTube फैमिली, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे सुबह से शाम तक बच्चे कठिन परिश्रम कर रहे हैं। इसी तरह हर एक बच्चे के दिलों के अंदर शौक और जज्बा हो कि हम अपने देश के लिए कुछ करें और आगे की तरफ बढ़े। सरकार को भी चाहिए कि एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि बच्चे देश की भविष्य है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन का ऑल करें, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए, वो भी बिल्कुल मुफ्त। मैं हूं आपके साथ आज मिस्टर, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।